कहकशा सोहेल हैं कराची से हमारे साथ। कहकशा सोहेल, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह। काश वो चेहरा मेरी आँख ने दे को तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। हर सियाहरा रात में सूरज है हदीसे उनकी। वो नाते तो जमाने में अंधे माशाल्लाह जी। फसी भाई क्या कहेंगे आप? इन्होंने तकदीर को छोटे काफ से पढ़ा, तकदीर पढ़ा, ठीक है, और हदीस है उनकी। ये चूंकि कलाम दो तीन दफा पढ़ा गया तो समझ में आता, उनकी तो समझ में नहीं आ रहा था कि हदीस है उनकी। इन्होंने कहा कि मैं तो समझता हदीस है रंगी है क्या है। अच्छा, लफ्ज क्लियर नहीं था। हदीस है उनकी बिल्कुल क्लियर। यही मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि सुरों में आप लफ्जों को मत छुपाएं, ठीक है। यानी इतने ना बोलना कैसे, ये भी बता दें, क्योंकि देखें तकदीर बड़े काफ से पढ़ने, लेकिन लोगों से वही नहीं बोला जाता ना, बड़ा काफ, नुक्तों वाला काफ और डंडे वाला काफ, तो वो बेचारे फंस जाते हैं। वो रियाज करेंगे, मश करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन ये आम लोगों की बात है, ये पढ़ने वालों की बात है। इस तरह सभी ने कहा काफ और काफ को वाजह करना, वाजह करना, लफ्जों को वाजह करना। जी सभी भाई क्या कहेंगे आप बताइए। लेकिन पढ़ा ओवरऑल अच्छा उन्होंने पढ़ा है, ये जानना चाह रही है। जो गलती तो ठीक है फसी भाई, गलती तो मैंने बता दी ना, वैसे अच्छा पढ़ा तो अच्छा पढ़ा तो बताया ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा जी। नहीं, एक गलती बता दी, निशानदेही कर दी कि उन्होंने सुरों में अल्फाज को छुपाने की कोशिश की। हाँ। अच्छा हाँ। वैसे भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अगर हम पहले ये करें कि आपने अच्छी पढ़ी उसके बाद गलती निकालें, ये ज्यादा बेहतर तरीका है या पहले गलती निकालें? इसमें कोई शक नहीं कि आपके अपने पहले भी पढ़ा है हमारे सामने, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, आपने पढ़ा भी अच्छा है। लेकिन बेटा ये जो नून है ना, खास तौर पे नून का ऐलान पढ़ने वाले के लिए बहुत नुमाया करना ज़रूरी होता है, इसलिए अक्सर लोग इस लफ्ज़ को चबाकर गुजर जाते हैं। आपने आँख भी जब कहा ना तो वो आँख नहीं था, आँख था। तो नून के ऐलान की तरफ जब भी आप आएँ, काफ़ के ऐलान की तरफ जब भी आप आएँ, तो लफ्ज़ों को वजाहत से अदा करेंगे, उससे सुरों का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन लफ्ज़ की सही अदाई जो है ना, वो आपके जहन में होती है कि मुझे लफ्ज़ पर जम के निकलना है। आप बहुत खूबसूरत सुना का है, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। ठीक है बेटा, आप कोड के लिए 03 आपका कोड है। अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको मेरी आवाज अच्छी लगी तो मेरी आईडी है 03, तो आप प्लीज मुझे वोट दें। अच्छा एक और चीज, क्योंकि देखिए सिर्फ एक अस्थाई और एक अंतरा ही है, तो आप लोग कोशिश कीजिए किसी बड़े को सुनवा भी दीजिए कि क्या ये लफ्ज जिसकी अदायगी मैं ऐसे कर रहा हूँ क्या ये ऐसे ही है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी तो आप नात नहीं पढ़े, अस्थाई अंतरा है, तो जरा ख्याल रखिएगा।